नमस्कार दोस्तों, आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव ले रही है, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे रही है और इसी सूची में अब भारत सरकार एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जिसका भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही प्लान तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रेनोवेशन किया जाना है। तीनों स्टेशन बहुत ही शानदार स्टेशन है जहाँ पे फॉरेन से और सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं। सबसे पहला स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहीं दूसरा एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वहीं तीसरा स्टेशन ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। इन तीनों स्टेशन को भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2022 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए सरकार तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के अलॉट किए गए। इस 10,000 करोड़ रुपए में इन तीनों स्टेशन को एक बहुत ही शानदार तरीके से रीडेवलप करना है और आने वाले समय में भारत की छवि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। बताया जाता है कि यह तीनों स्टेशन को एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिए ही 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इन तीनों रेलवे स्टेशन मास्टर प्लान के तहत प्लाजा बनाया जाना है, मॉल्स को बनाया जाना है, पार्किंग को बनाया जाना है, कैफेटेरिया होगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें आसपास में होगी, फुट ब्रिज होगा, वेटिंग लॉन्च होगा, चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा और भी बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स और आउटलेट्स इत्यादि को यहाँ पे खोले जाएंगे। साथ ही साथ बैंकिंग इत्यादि की भी यहाँ पे सुविधा होगी। यानी बिल्कुल एक कुल मिलाकर एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार होगा, जिसमें मुख्य तौर पर स्टेशन को फोकस किया जाएगा और आसपास के एरिया को एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करेगी। बताया जाता है कि तीनों स्टेशन का मास्टर प्लान अलग अलग तरीके से किया गया है, पर थीम सबका एक होने वाला है क्योंकि सबको एक सिटी सेंटर और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया जाना है। अगर मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूं तो 3 साल के अंदर इसे बनाकर पूरा किया जाना है, तो आर्क शेप में, जिसमें 2 आर्क शेप में और 2 ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स को बनाया जाना है। वहीं अहमदाबाद और मुंबई का शिवाजी टर्मिनल को 2.5 साल में पूरा किया जाना है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। अहमदाबाद को एक सन टेम्पल के रूप में विकसित किया जाएगा, वहीं शिवाजी टर्मिनल्स को जैसे उसका स्वरूप है उसी को एक्सटेंड करके और नए नए बिल्डिंग्स को बनाया जाना है। बताया जाता है कि जल्द ही टेंडर्स को जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 10 दिन में टेंडर जारी भी हो जाएगा, जिसके बाद स्टेशन का काम शुरू होगा और जल्द से जल्द महज 2.5 से 3 साल में बनाकर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा आज रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 199 स्टेशन का रिनोवेशन करने के विचार कर रही है। 47 स्टेशन आज के डेट में पूरी तरह से मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और 37 स्टेशन पर आज के डेट में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। वहीं 3 स्टेशन को तो पूरी तरह से बनाकर पूरा भी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में या कितने स्टेशन और यहाँ पे रिनोवेशन किया जाना है और ये जो 3 स्टेशन आज के डेट में रिनोवेशन करने की मंजूरी दी गई है वो अगले 3 साल में बनकर तैयार होते हैं या फिर नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर तीनों स्टेशन का एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं तीनों के अलग अलग एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, जो कि आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ऐसे में आप जरूर चेकआउट करें। तीनों ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ, पूरे डिटेल रिसर्च के साथ, जो भी चीज़ बनाए जाएंगे, कब तक होंगे, सभी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूँ, तो जरूर चेकआउट करें। ऐसे में आज का वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।